हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेजेंड टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का, उसकी आपकी एडमिट कार्ड अभी तक अवेलेबल हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं, और आपकी कब तक आपके जो हैं आपके एग्जामिनेशन हो सकता है। तो देखिए, आपको मैं अभी सीधे एक साइट पर लेकर के चलता हूँ जो कि आपकी कन्फर्म साइट है इंडिया टीवी की, और आपकी इंडिया टीवी की ऑफिशियल आपकी वेबसाइट है। तो दोस्तों, इस पर हम देखते हैं कि एनडीटीवी ने क्या कहा है। तो आरआरबी एडमिट कार्ड रेलवे भर्ती बोर्ड की सभी वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, यानी अभी तक तो जारी नहीं हुआ है। इसके आगे देखते हैं, सीबीटी फर्स्ट परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। इसका मतलब है कि जब भी आपकी एग्जामिनेशन होंगे, उससे 4 दिन पहले ही आपके एडमिट कार्ड आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपके जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक आरआरबी की तरफ से आपकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जो आपकी कोई बात है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कही गई है। तो अभी केवल आपकी ये है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन होगा, उससे 4 दिन पहले ही बस आपके जो है एडमिट कार्ड अवेलेबल होंगे। लेकिन अभी तक आपके जो है एडमिट कार्ड किसी भी वेबसाइट पर नहीं आ पाए हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं कि जो आपके एग्जामिनेशन है वो कब तक होने वाले हैं, जिससे कि आपको पता चले कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो आपको कब तक आपको मिल सकता है। तो आगे देखते हैं, इन्होंने बताया कि सीबीटी फर्स्ट की जो तारीख है वो जल्द जारी की जाएगी, मतलब कि अभी तक आपको कोई ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। सेकंड पॉइंट है कि आपको एडमिट कार्ड परीक्षा से 4 दिन पहले ही होगा, एडमिट कार्ड आरआरबी की आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएगा। तो इसके बाद देखते हैं कि जो आपका इन्होंने बोला है कि आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा की तारीख आने से कुछ दिनों पहले ही होने की उम्मीद है। रेलवे भर्ती बोर्ड के अनुसार एनटीपीसी भर्ती परीक्षा जून से सितंबर के बीच आयोजित की जा सकती है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि आपकी जो एग्जामिनेशन डेट है वो आपकी जून से लेकर के सितंबर के बीच है। और जैसा कि आप अपनी किसी भी ऑफिशियल जो आपकी पीडीएफ आप ले सकते हैं एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की आपको पीडीएफ में भी वो आपको वहाँ पर मेंशन किया गया कि जो आपका एग्जामिनेशन होने वाला है वो आपका जून से सितंबर के बीच होने वाला है। तो दोस्तों, आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ये चीज़ मेंशन की गई थी कि जो आपका एग्जामिनेशन है वो जून से लेकर के आपका सितंबर के बीच आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। तो दोस्तों, अभी आपकी कोई संभावना नहीं है एडमिट कार्ड आने की, लेकिन जब भी आपका संभावना होगी तभी आपकी आरआरबी आपको इन्फॉर्म कर देगी आपका एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है। तो दोस्तों, आप अगर ये जानना चाहते हैं कि आप अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आरआरबी की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है आप वहां पर जा सकते हैं, और आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको एक एडमिट कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहां पर आप जाइए। उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ वहां पर डलेगी, और डेट ऑफ बर्थ आप डालने के बाद अपना सबमिट कीजिए, अपनी आईडी लॉगिन कीजिए, और लॉगिन करने के बाद आपको आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा। तो दोस्तों, यहीं पर आपकी जो बस एक अच्छी न्यूज़ है कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो जून से सितंबर के बीच होगा। इसके बीच आपको काफ़ी टाइम मिल रहा है, तो आप इसमें ज़्यादा अपने एडमिट कार्ड पर ध्यान ना दे करके आप अपनी इसमें अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो सभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।